नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर में शनिवार रात को फायरिंग की गई, इसमें दो लोग घायल हो गए, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने करीब 10 से 15 राउंड गोलियां चलाई। यह पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि तीन हमलावर एक सफेद स्कॉर्पियो पर फायरिंग कर रहे हैं। उनके आसपास लोग खड़े हैं, लेकिन वह मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वहीं फायरिंग के बाद बाइक पर सवार आरोपी फरार हो गए। इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। घायलों की पहचान केशवपुरी सब्जी मंडी यूनियन के पूर्व अध्यक्ष अजय चौधरी और उनके भाई जसवंत के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि अजय की कार जैसे ही सुभाष नगर चौराहे के पास पहुंची, तो मौके पर पहले से मौजूद हमलावरों ने चलती कार पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने करीब 10 से 15 राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग की घटना के पीछे कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि माना जा रहा है कि यह गैंग वॉर से जुड़ा मामला हो सकता है। पुलिस को संदेह है कि अजय चौधरी से निजी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना के पीछे फिलहाल जेल में बंद सलमान त्यागी का हाथ हो सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।